गोवर्धन दास की पांच बेटियां थीं। वो अभी बहुत छोटी थीं। पांचों उस गांव में एक साथ ही खेला करती थी। गोवर्धन दास बेचारा बहुत गरीब था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। किसी रोज पांचों बहनें गांव में दूसरे बच्चों को साइकिल चलाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। दीदी, मुझे भी साइकिल चलाने का बहुत मन होता है। मन तो मेरा भी होता है, पर क्या कर सकते हैं। सुना है साइकिल बहुत महंगी मिलती है। अभी हम अपने पापा से साइकिल लेने के लिए भी नहीं कह सकते। बड़ी मुश्किल से वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। रानू मीनू, चलो उन लोगों के पास चलते हैं। उनसे कहते हैं कि हमें भी थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाने को दो। हाँ चिंकी दीदी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। चलो चलते हैं। पांचों बहनें उन बच्चों के पास गईं जो लोग साइकिल चला रहे थे। क्या तुम लोग हमें भी साइकिल चलाने दोगे? लड़की होकर साइकिल चलाओगी? पप्पू उन लड़कियों का मजाक उड़ाने लगा। पप्पू के दोस्त ने उसके कान में कहा, अरे इन लड़कियों को साइकिल चलाने देते हैं, फिर इन्हें गिराने में बड़ा मजा आएगा। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ठीक है, ये लो, तुम लोग साइकिल चला लो। सबसे पहले चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो साइकिल लेकर थोड़ा आगे बढ़ी, वैसे ही पप्पू ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गई। उसे चोट भी लग गई। इतने में पप्पू का बाप वहाँ आ गया। तुम लड़कियों को साइकिल चलाते हुए शर्म नहीं आती? इतनी महंगी साइकिल लेकर दी थी हमने पप्पू को, और तुम लोगों ने मेरे बच्चे की साइकिल तोड़ दी। अरे जब साइकिल खरीदने की औकात नहीं है तो साइकिल चलाने की भी जरूरत नहीं है, बोल देना अपने बाप को। इतने में वहाँ पर गोवर्धन दास आ गया। उसने ये सब देख लिया था। उसने पप्पू और उसके पिता को कुछ भी नहीं कहा और अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। तुम लोगों को उस पप्पू की साइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? उसकी साइकिल तो जरा सी भी नहीं टूटी, फिर भी उसका बाप इतना चिल्ला रहा था। पापा, वो लोग साइकिल चला रहे थे तो हमने सोचा हम भी चलाकर देखते हैं। वो लोग भी तो हमारे साथ खेलने आते हैं, हमने तो कभी मना नहीं किया। मुझे पता है मेरी बच्चियों को भी साइकिल चलाने का मन होता है, पर मुझसे कभी कहती नहीं। मैं जल्दी अपनी बेटियों के लिए एक साइकिल लाकर जरूर दूंगा। गोवर्धन दास सब्जी का ठेला लगाता था। उसने दिन रात मेहनत की और बड़ी मुश्किल से एक साइकिल ही खरीद पाया। वो साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। नई साइकिल को देखते ही पांचों लड़कियां बहुत खुश हो गईं। पापा, ये साइकिल किसकी है? अरे मेरी बच्चियों, ये साइकिल तुम लोगों की ही है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तुम लोगों के लिए साइकिल भी नहीं खरीद सकता? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, यही हमारे लिए बहुत है। अरे मैं तुम सबके लिए अलग अलग साइकिल तो खरीद नहीं सकता, फिलहाल एक साइकिल से ही तुम पांचों काम चलाओ। उन पांच लड़कियों को ठीक से साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन अब तो खुद की साइकिल हो चुकी थी, तो उन बहनों ने मिलकर एक साथ साइकिल सीखना शुरू कर दिया। दो महीने में ही वो पांचों बहनें साइकिल चलाना सीख गईं। दीदी, हमें हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, तो कल से हम इसी साइकिल से स्कूल जाया करेंगे। लेकिन मीनू दीदी, हम पांच लोग एक साइकिल से भला स्कूल कैसे जाएंगे? जाएंगे और जरूर जाएंगे। अगली सुबह पापा से छुप कर उन पांचों बेटियों ने अपनी साइकिल निकाल ली। चिंकी ने साइकिल चलाने का फैसला किया। दो बहनें पीछे बैठ गईं और दो बहनें आगे। चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया। लोग उन्हें देख देख कर हंसने लगे, लेकिन किसी तरह वो स्कूल पहुंच गईं। क्या बात है दीदी, आपने साइकिल चलाने के मामले में तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। इस तरह धीरे धीरे उन सभी बहनों ने एक साइकिल पर चार लोगों को बिठाकर साइकिल चलाना इतनी छोटी सी उम्र में ही सीख लिया। पप्पू के दोस्त और पप्पू का पिता उन लड़कियों का खूब मजाक बनाया करते थे। इन पांचों लड़कियों की बेशर्मी तो देखो, एक साइकिल पर पांच लोग बैठकर जाती हैं। अरे जब अभी से इनका ये हाल है, तब ये बड़ी हो जाएंगी तब क्या होगा? बड़ी होकर ये अपने बाप और गांव की नाक कटाएंगी और कुछ नहीं। वक्त बीतता गया और उनकी पांचों बेटियां जवान हो गई। गोवर्धन दास भी अब बूढ़े हो चले थे। एक रोज पप्पू का पिता गोवर्धन दास की सब्जी के ठेले के पास आया। अरे गोवर्धन, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज देना जरा। गोवर्धन ने उसे सब्जियां दे दी। गोवर्धन दास, कभी कभी तुम पर बहुत तरस आता है। तुमने पांच पांच लड़कियां तो पैदा कर ली, लेकिन अब इस उम्र में पछतावा तो होता ही होगा। किस बात का पछतावा? अरे पछतावा इसी बात का कि अगर पांच लड़कियों के अलावा तुम्हारा एक बेटा भी होता तो इस उम्र में तुम्हारी मदद कर पाता। अरे कम से कम बुढ़ापे में तुम्हें सब्जी का ठेला नहीं लगाना पड़ता। देखिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मेरी पांच बेटियों के अलावा एक बेटा भी होता। मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। वैसे तुम्हारा बेटा पप्पू कल नशा करते हुए पकड़ा गया था, पुलिस उसे जेल में उठाकर ले गई, छुटा या नहीं? इतने में पप्पू के पिता ने सब्जी का थैला उठाया और वहाँ से चला गया। रात को गोवर्धन सब्जी बेचकर अपने घर वापस आ गया। चिंकी और बाकी की बहनें मिलकर अपनी साइकिल धो रही थी। अरे मेरी बच्चियाँ साइकिल धो रही हैं। ये साइकिल भी कितनी खुशकिस्मत है मेरी तरह। मैं और ये साइकिल दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी पांचों बेटियां ना ही इस साइकिल को बूढ़ा होने दे रही हैं,
और ना ही मुझे। पापा आप ऐसी बातें मत किया करो, आप तो भी जवान हो और हमारी साइकिल भी अभी जवान ही है। चिंकी बेटा अब तुम लोग बड़ी हो गई हो, तुम पांचों अभी भी एक साइकिल से ही घूमती रहती हो। तुम लोगों को पता है गांव वाले जब भी तुम पांचों को एक साइकिल पर देखते हैं उन्हें जलन होने लगती है। पापा गांव वालों को जलाने के लिए हम पूरे गांव में एक साइकिल पर पांच लोग बैठकर चलाते रहते हैं। इस गांव में किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पांच लोगों को बिठाकर साइकिल चला सके। खैर चिंकी ने सभी के लिए खाना बनाया और खाना खाकर सभी लोग सो गए। अगले दिन सुबह सुबह गांव में बहुत भीड़ लग गई। गोवर्धन दास और उसकी बेटियों ने जब माइक पर किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी तब वो लोग भी वहां पर पहुंच गए। एक आदमी माइक पर सबको कुछ बता रहा था। सुनो 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 गांव वालों, ये है मिस्टर खन्ना, इनकी बहुत बड़ी साइकिल की कंपनी है। दो दिन बाद इस गांव में साइकिल की रेस होने वाली है। जो भी ये साइकिल की रेस जीतेगा उसे 5 लाख नगद इनाम तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ खन्ना साहब की साइकिल की कंपनी के लिए वो अगले 10 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएगा। उन्हें हर साल 20 लाख रुपए मिलेंगे, उन्हें टीवी और अखबारों में भी दिखाया जाएगा। ये सुनकर गोवर्धन दास की पांचों बेटियां बहुत खुश हुईं। मेरी बहनों अब वक्त आ गया है इन गांव वालों को और पूरी दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने का। ये गांव वाले और पूरी दुनिया हम बेटियों को बहुत कमजोर समझती है। जब देखो तब ये गांव वाले हमारे पापा को ताना मारा करते हैं कि काश हमारा कोई भाई भी होता, लेकिन इस बार हम इन सबको दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। मेरी बच्चियों तुम लोग इस रेस में हिस्सा लो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस गांव वालों को दिखा दो कि तुम पांचों मिलकर पूरी दुनिया जीत सकती हो। इस गांव की लड़कियों के लिए तुम पांचों एक नई प्रेरणा बनकर उभरने वाली हो। अपने पिता की ये बातें सुनकर पांचों बेटियां कॉन्फिडेंस से भर गई। दो दिन बीत गए और कंपटीशन शुरू होने वाला था। मेरी बहनों ध्यान से सुनो, इस गांव में सारे लड़के और लड़कियां अकेले अकेले साइकिल चलाएंगे, ये तो बहुत नॉर्मल है। हम लोगों ने पिछले 20 सालों से एक साइकिल पर 5 लोग बैठकर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की है, तो हम पांचों एक साथ एक साइकिल इस रेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है दीदी हम तैयार है। सारा गांव एक साथ इकट्ठा हो गया है इस जबरदस्त रेस को देखने के लिए। एक तरफ गांव के हट्टे कट्टे लड़के हैं तो दूसरी तरफ है इस गांव की 5 लड़कियां जो इस रेस में हिस्सा ले रही हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो रेस शुरू करते हैं। 1, 2, 3 एंड गो। तो इस तरह से रेस शुरू हुई। चिंकी ने साइकिल चलाना शुरू किया। चिंकी की 2 बहनें पीछे और 2 बहनें आगे बैठी थी। सभी लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए। खन्ना साहब और उस एंकर की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसी रेस तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। 5 लड़कियां एक साइकिल पर, फिलहाल लड़के आगे हैं। कम ऑन गर्ल्स पावर, कम ऑन। और ये क्या, 5 लड़कियां लड़कों से आगे निकलती हुई। बस थोड़ी सी ही रेस की बाकी है, लड़कियां अभी भी आगे। और फाइनली ये 5 लड़कियां रेस जीत गई। इन 5 लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज तो कमाल हो गया, 8वां अजूबा देखने को मिला। वो रेस जीत गई और उन्हें 5 लाख का इनाम तो मिला ही, साथ ही साथ वो उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई, जिससे उन्हें हर साल 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। कुछ ही सालों में उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवा लिया और खुशी खुशी उस गांव में पूरे सम्मान के साथ रहने लगे। किसी गांव में करमचंद का एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में करमचंद की पत्नी सुलेखा और उसके 5 बेटे रहते थे। उन 5ों बेटों की शादी हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, लेकिन उनके 5ों बेटे अभी तक घर नहीं आए थे। अरे बहू अभी तक बच्चे घर नहीं आए, कुछ बताकर गए थे क्या वो लोग? नहीं माँ जी, उन्होंने बोला था कि मकान मालिक ने बुलाए हैं वहीं जा रहे हैं, लेकिन काफी रात हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी अचानक खतरनाक बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी, घर की छत टपकने लगी, धीरे धीरे घर में रखा सारा सामान भीगने लगा। अरे देखो हर जगह से घर में पानी टपक रहा है, बहू जल्दी से सबके नीचे कोई ना कोई बर्तन रख दो वरना पानी भर जाएगा। हाँ पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों उधर जाकर बैठ जाइए, हम लोग इंतजाम करते हैं। इतने में 5ों बहुओं ने मिलकर जहाँ से छत टपक रही थी उसके नीचे बड़ी बड़ी बाल्टी रख दी। तभी अचानक उनके 5ों पति घर वापस मिठाई का डिब्बा लेकर आ गए। माँ पिताजी ये लो मिठाई खाओ सब लोग, हम 5ों लोग इसी महीने बाप बनने वाले हैं, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। अभी अभी डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहे हैं हम लोग, देखो ऊपर वाला भी आने वाले मेहमान के स्वागत में बरस रहा है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा। एक तरफ वो 5ों बहुएं माँ बनने की खुशी में खुश थी, दूसरी तरफ बरसात ने ऐसा माहौल बना दिया था कि उनकी खुशी दुख में बदल गई। सुबह होते ही घर का मालिक अपने परिवार के साथ वहाँ टपक पड़ा। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। चलो
इस महीने का किराया निकालो। अरे मालिक, हमारी पांचों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, तो सारा पैसा अस्पताल में लग गया। बस 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम खुद चलकर आपके घर किराया पहुंचा देंगे। इतना सुनते ही गजोधर को गुस्सा आ गया। खुद चलकर मेरा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि खुद चलकर इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। तुम गरीबों की यही हरकतें तो तुम लोगों को गरीब बनाए रखती है। जेब में 2 रुपए हैं नहीं, और पांचों बहुओं को एक साथ प्रेग्नेंट कर डाला है तुम लोगों ने। वैसे भी बरसात का समय है, किसी और को घर देकर हम इससे ज्यादा कमा लेंगे। अब उन लोगों के पास घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। करमचंद अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल गया और सीधा खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। पिताजी, हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ तो गए हैं, लेकिन चलना कहाँ है? ऐसा करते हैं, हम लोग हरिद्वार चलते हैं, वहाँ कोई न कोई रुकने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, भगवान के दरबार में तो सहारा मिल ही जाएगा। हाँ पिताजी, ये सही रहेगा, आप लोग यहीं रुको, मैं सबके लिए टिकट लेकर आता हूँ। मनोज टिकट लेने चला गया, लेकिन तभी अचानक बारिश बहुत तेज होने लगी। सभी लोग स्टेशन पर ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद मनोज टिकट लेकर आया। बारिश बहुत तेज हो रही है, वो सामने देखो, हमारी ट्रेन भी आ गई। जल्दी से चलकर अपनी बोगी में बैठ जाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो सभी लोग पांचों गर्भवती बहुओं के साथ ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन हरिद्वार पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां पर तो बारिश बहुत ही भयंकर हो रही थी। आसमान में इतनी तेज गर्जना हो रही थी, जिसे सुनकर सभी लोगों की रूह तक कांप जा रही थी। इस बार तो लगता है बारिश कहर मचा कर ही मानेगी। कहीं कहीं तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, और कहीं तो बारिश इतनी तेज हो रही है कि लोगों का रहना तक दुश्वार हो गया है। मैंने तो सुना है पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टाने तक टूट कर गिर रही हैं, और पूरा का पूरा गांव बाढ़ की वजह से बह गया। अरे अनिता, शुभ शुभ बोलो और ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि बारिश कम हो जाए, वरना हरिद्वार पहुँच कर हम लोग रुकेंगे कहाँ। लेकिन मनोज को शायद ये नहीं पता था कि अब आने वाले समय में कुछ भी शुभ नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन के साथ कुछ अशुभ होने वाला था। बारिश तेज होने की वजह से सिग्नल में कुछ गड़बड़ी हो गई, और अचानक हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के सामने कोई दूसरी ट्रेन आ गई, और दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई, जिससे ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। सभी लोग भागकर अपनी बोगी से निकलने लगे। हे राम, ये क्या हुआ? हम तो तेरे दरबार आने वाले थे, और दरबार पहुँचने से पहले ही तूने इतनी बड़ी घटना कर दी हम लोगों के साथ। भागो भागो, सब लोग भागो भागो। बेटा, जल्दी से इस बोगी से बाहर निकालो, हमारा डिब्बा भी ट्रेन की पटरी से नीचे उतर चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, वरना आज हम सब लोग मारे जाते। वो लोग ट्रेन से अपनी बोगी से बाहर निकल कर आ गए और स्टेशन पर ही रुक गए। हे राम, कहीं हमारे आने वाले पोते पोतियों को कुछ ना हो गया हो। माँ, पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो देखो सारे लोग स्टेशन पर ही तंबू बना रहे हैं, हम लोग भी तंबू बना लेते हैं। मनोज और उसके सभी भाइयों ने मिलकर तंबू बना लिया, और उसके अंदर सब लोग आराम करने लगे। उनकी बहुएं चीख रही थी, तभी भीड़ में से कुछ औरतें उनके तंबू में आ गई। अरे क्या हुआ बहन जी, ये आपकी बहुएं हैं क्या, और ये चीख क्यों रही हैं? तभी उन औरतों की नजर पांचों बहुओं के पेट पर गई। अरे ये पांचों तो गर्भवती है। हाँ बहन जी, सारी गलती मेरी है, इस हालत में मुझे अपनी बहुओं को हरिद्वार लेकर नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो डर है कि कहीं मेरी पांचों बहुओं का मिसकैरेज ना हो गया हो। अरे बहन जी, परेशान मत होइए, आप तो पुराने जमाने की हैं, आपको तो ये सब आता होगा। ऐसा कीजिए, सारे मर्द इस तंबू से बाहर चले जाएं, हम औरतों को देखने दीजिए। बहन जी, आप अपनी बहू के साथ यहीं रुकिए। उन पांचों बहुओं का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी आदमी टेंट से बाहर चले गए। उन औरतों ने उन पांच बहुओं के पेट पर हाथ रखकर चेक किया, और उन्होंने कहा, बहन जी मुबारक हो, आपकी पांचों बहुएं बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी क्योंकि वक्त आ चुका है। आपके पास कुछ फटे पुराने कपड़े होंगे, वो निकाल कर हमें दे दीजिए। सुलेखा उन सभी औरतों के साथ मिलकर अपनी पांचों बहुओं की डिलीवरी को अंजाम देने लगी। बाहर गजोधर और उसके पांचों बेटे खड़े थे, उन्हें अपनी पत्नियों के चीखने की आवाजें आ रही थी। पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अभी 2 दिन पहले हम सब कितने खुश थे कि हम बाप बनने वाले हैं, पर पता नहीं आज क्या होगा, हमारे बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। अरे परेशान मत हो, जो भी होगा सब ठीक होगा। करमचंद अपने पांचों बेटों से बात कर ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद उस टेंट से बच्चों की किलकारियों की आवाजें आने लगी। ये सुनकर गजोधर और उनके बेटे बहुत खुश हुए। तभी उस टेंट से उनकी माँ सुलेखा बाहर आई। आप लोग परेशान मत होइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पांचों बाप बन चुके हो और हमारे पांचों पोते बिल्कुल स्वस्थ हैं। थोड़ी देर बाद सभी औरतें भी बाहर आ गईं। भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है, ये हम लोगों ने सुना तो था, पर आज देख भी लिया, ना ही किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी और ना ही किसी नर्स की, आप लोगों ने ही मिलकर डिलीवरी कर दी। अरे तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है,
पहले के जमाने में गांव में कोई अस्पताल लेकर नहीं जाता था, घर में डिलीवरी हो जाती थी। ये सब करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब जल्दी से हम सबको मिठाई खिलाओ। मनोज बरसात में भीगते हुए स्टेशन के बाहर गया और मिठाई लाकर पूरे स्टेशन पर सबको बांटी। कुछ दिनों बाद जब बारिश थमी, फिर दूसरी ट्रेन उन सभी को हरिद्वार ले गई। हरिद्वार पहुंचकर उन सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए और वहीं पर टेंट बनाकर वो लोग रहने लगे। मनोज और उनके सभी भाई मिलकर वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगे, क्योंकि उनका घर तो कोई था नहीं। फिर एक दिन पांचों भाई एक खुशखबरी लेकर अपने तंबू में आए। माँ, पिताजी, उस ट्रेन हादसे में जितने भी लोग थे उन सभी को सरकार की तरफ से रहने के लिए घर मिला है। उनमें हमारा नाम भी आ गया है। मैंने फॉर्म भर दिया था। चलो अब हम वहीं रहेंगे। इस तरह गजोधर का पूरा परिवार उस पक्के मकान में रहने लगा जो सरकार की तरफ से मिला था। तभी एक रात उनके घर किसी की दस्तक हुई। गजोधर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका वही मकान मालिक था जिसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। हम बेघर हो चुके हैं। हमारा मकान बाढ़ में बह गया। क्या हमें इस घर में कुछ दिन रहने की इजाजत मिलेगी? अरे मालिक, आप। मकान मालिक भी उनके परिवार को पहचान गया। उसने सारी बात करमचंद को बताई और उनके पूरे परिवार से उसने माफी भी मांगी। खैर, करमचंद ने उनके परिवार को एक रात अपने घर में रख लिया, लेकिन वो घर इतना बड़ा तो था नहीं। फिर भी किसी तरह जुगाड़ करके उन लोगों ने उन्हें उस घर में रखा। अब वो लोग भी उनके पांचों बेटों के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। तो दोस्तों, इस बरसात में कोई भी बेसहारा दिखे तो उसका फायदा ना उठाएं, बल्कि जितनी हो सके उसकी मदद करें।